अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 125। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और आज के इस लेसन में हम ड्रॉ करेंगे टॉगल क्लिप हैंडल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फेसेस। और टॉगल क्लिप हैंडल एक मैकेनिकल मशीन है जिसका एक हैंडल यूज किया जाता है, उसे टॉगल क्लिप हैंडल क्या कहते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है और मशीन कौन सी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये हमारे पास एक टॉगल क्लिप हैंडल है, तो इस टाइप की एक मशीन है जिसका ये हैंडल है, देख सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने ये चीज़ ड्रॉ करनी सीखी थी, ये आप देखें। आज के लेसन में हम एक ये वाला हैंडल ड्रॉ करना सीखेंगे, ये वाला हैंडल एक ड्रॉ करना सीखेंगे। और ये हैंडल आपको जो मैंने ड्रॉ किया वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास हैंडल है। आज के लेसन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह ड्रॉ होगा। तो इसके लिए यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी हुई इसकी, लेकिन मैं डायमेंशन खुद से लेके मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ अपने ये बनाना किस तरह। तो इसके लिए यहाँ पे ऑटोकैड को ओपन करता हूँ मैं। ओके, टॉप व्यू है, अब टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में आ जाएं। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में ले जाने के लिए यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक कर लें, ओके कर लें। ओके, अब यहाँ पे हमने ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आप लाइन लें, एल एंटर, एल एंटर, स्ट्रेट लाइन लें F8 प्रेस करके, और लाइन में इसको देता हूँ 3, एंटर। फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने एक एंगल में लाइन लेनी है, F8 प्रेस करें। एंगल वाली जो लाइन होगी वो आपने देनी है यहाँ पे तकरीबन 4 एट द रेट, एंगल के लिए आप एट द रेट चूज़ करेंगे। एट द रेट लाइन कितनी होनी चाहिए आपकी, 3। एंगल को लेस देन, एंगल कितना होना चाहिए आपका जी, 35। एंगल दीजिए 35, और 35 एंगल। फिर आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्या फैट प्रेस करें, और स्ट्रेट लाइन कितनी होनी चाहिए जी आपकी, 5 होनी चाहिए तकरीबन, 5, एंटर। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है जी, एक और फिर एंगल लेना है आपने, स्ट्रेट एंगल लेना है आपने, ये और ये और ये, और फिर एक और एंगल लेता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ, 30 एंगल लेता हूँ, एट द रेट लाइन लेता हूँ 3, और एंगल देता हूँ 30, एंटर। 30 एंगल ले लिया, स्ट्रेट लाइन लें आप यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन होनी चाहिए आपकी तकरीबन 8, 8, एंटर। बस 8 की लाइन लेके आप स्पेस प्रेस कर लें। स्पेस प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिरर करें, इसी चीज़ को मिरर करें। तो MI एंटर सेलेक्ट करें इसको स्पेस, और इसको मिड पॉइंट से मिरर कर लें, और इसको L एंटर कर लें, 3। ओके, यहाँ तक जी आपका ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब ऑफसेट लें आप यहाँ से, O एंटर, 0.4 एंटर, नीचे की तरफ ऑफसेट लेते जाए, 0.4। कमांड यूज करें CHA एंटर,
ज्वाइन करने इसको एल इंटर करें। मिरर कमांड यूज करें आप, एम आई एंटर सेलेक्ट करें स्पेस, यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें या एल एंटर करें यहाँ से। टेन एंटर ऑफसेट लें इसका, ओ एंटर, ओ एंटर थ्रो ओ एंटर थ्रो के लिए ट्री एंटर, मिरर करने से को अब एम आई एंटर इस लाइन को मिरर करने से सेंटर लाइन को डिलीट कर दें, एल एंटर करें। बाउंड्री के लिए बी ओ एंटर, ओ एंटर, एक पॉइंट और इसको सिलेक्ट करके बाउंड्री दे दें। ओके अब इसको मूव कर लें एम एंटर, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको डिलीट कर दिया। ओके यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इसी चीज़ को आपने क्या करना है, यहाँ से फिलेट करने के लिए एफ एंटर करें, एफ एंटर सारे के सारे को सिलेक्ट करें, एफ एंटर सॉरी फिलेट ज्वाइन करना है, सॉरी ज्वाइन जे एंटर स्पेस ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया। ओके अब जो हमने काम करना है वो क्या है कि जी आप यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया देख सकते हैं। यहां से इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, फिलेट करना है एफ एंटर, रेडियस के लिए आर एंटर और 0.4 रेडियस दे दें इसको। ओके रेडियस भी आ गया इसका, और यही रेडियस आप फ्रंट में भी देना चाहें फ्रंट में भी दे सकते हैं। फ्रंट में भी ये रेडियस है, ओके तो यहाँ तक ये हमारे पास कंप्लीट हो गया जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखते हैं कि आगे से हम इसे 3D में कैसे मूव करेंगे और 3D में इसमें और काम कैसे करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।